अब इसी के कार्बोनिल कंपाउंड में जो नेक्स्ट सेम इसी तरह की एक रिडक्शन रिएक्शन है उसका नाम है वोल्फ किशनर, डब्ल्यू ओ एल एफ वोल्फ किशनर, के आई एस एच एन ई, वोल्फ किशनर रिडक्शन। अब इस रिएक्शन को हम समझेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो क्लीमेंसन रिडक्शन आपको बताया था, चेंजेस वैसे होते हैं बट मीडियम चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा था जो क्लीमेंसन रिडक्शन था, इस तरह से CH3 डबल बॉन्ड हो, आपने बीच में ZnHCl लिया था, ZnHCl, लेकिन यहाँ हम लेते हैं हाइड्रेजीन NH2 और लेते हैं बेसिक मीडियम NaOH, जस्ट OH माइनस, KOH भी ले सकते हैं आप। तो अगर इतना दिया है तो समझ लीजिए ये आपके सामने एक कंडीशन रखी है वोल्फ किशनर रिडक्शन की। और इसमें चेंजेस क्या होते हैं, जिस तरह से आपने अभी क्लीमेंसन रिडक्शन को देखा था, सेम उसी तरह से डबल बॉन्ड जो है आपका यहाँ पे लग जाएगा CH2, तो इसको हम कुछ इस तरह से अलग अलग अभी मैं लिख देता हूँ, CH2 को यहाँ पे जो था अगर इतना ही लिखते हैं तो ये भी अंडरस्टूड है। इसको पूरा लिखते हैं CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3 हाइड्रेजीन और बेसिक मीडियम OH नेगेटिव, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3। तो आपने लिया कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड, हाइड्रोजीन के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन किया, ये बन गया हमारा हाइड्रोकार्बन। इसमें एल्केन, ये एल्केन हो गया, ये कीटोन आपने लिया था, यहां पर हमारा है प्रोपेनोन प्रोप्टोन और ये है प्रोपेन। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी है वोल्फ किशनर रिडक्शन। अब इसमें कैसे ये मैकेनिज्म होगी उसको हम डिटेल में आपको बताते हैं कि मैकेनिज्म किस तरह से आप इसको प्रोसीड करेंगे। मैकेनिज्म, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो कीटोन दिया है आपको उस कीटोन को लेकर के हाइड्रेजीन के साथ में रिएक्शन करना है। तो ये वेल नोन रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड की, जिसमें कि कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन की जाती है अमोनिया एंडेड से डेरिवेटिव से, तो सब में एक ही जैसी रिएक्शन होती है। जब इसका पूरा मैकेनिज्म आप बनाते हैं वो भी आपने देखा होगा कि सबसे पहले ये पाई बॉन्ड यहाँ से पिक किया, तो यहाँ पर पॉजिटिव आता है, नाइट्रोजन में लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है यहाँ पर न्यूक्लोफिलिक एडिशन करते हैं, फिर फाइनली इसमें से H2 आउट होता है और N वाला बॉन्ड डायरेक्ट कार्बन कार्बन से जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हमें इस वाले स्टेप को अगर मैकेनिज्म ना देखें, सीधे हम उस स्टेप की जो रिडक्शन वाली प्रोसेस है यहाँ पे अगर शॉर्ट में समरी अगर हम बना लें, तो अगर पूरा देखना चाहते हैं तो इस तरह से ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, देन अगर इसको बना लेते देखिए तो कैसे N ये है NH2, ये आपका पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये N यहाँ पे आया, ये यहाँ आया, तो एक हमें मिलता है CH3 O नेगेटिव यहाँ पे आ गया, N इससे H ये पॉजिटिव हो गया और NH ये आ गया, तो एक H इस साइड में ले लेते हैं हम और यहाँ को लगा हुआ है NH2 ये बनता है। तो उसके बाद ये वाला बॉन्ड यहीं शिफ्ट करेगा, ये H जो है जाकर के इसके पास आ जाएगा, तो ये हमें इसके बाद फर्दर मिलता है CH3 NH, उसके बाद यहाँ आया O H और ये आ गया NH2। लास्ट एंड फाइनल इसमें यहां से लेकर के अभी अभी केवल हम NH2 हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बनाने की प्रोसेस आपको बता रहे हैं, देन इसमें बेस का रिएक्शन कैसे होगा वो देखिए। यहाँ पे अगर आप देखें कार्बन है,
नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जो है थोड़ा अनस्टेबल है, तो ये पाई, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, तो जैसा कि देखते ही पता चल रहा है आपको H2O इसमें आउट होगा, H2O जब आउट होगा तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड NH2 एंड CH3, ये जो CH3 है ये अपनी जगह है बाकी ये। तो इसी में अगर शॉर्ट अगर आप यहां से देख लें, देखिए यानी कि ये H2O आउट कर देना है C डबल बॉन्ड NH2, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये हाइड्रेजीन आपके सामने था हाइड्रेजीन, तो यहां पर हमें मिलता है हाइड्रेजोन, ये है एक हाइड्रेजोन, मींस एसीटोन से बना हुआ, तो एसीटोन हाइड्रेजोन आप कह सकते हैं, क्लियर। तो जो हाइड्रेजोन हमारे पास आया, उस हाइड्रेजोन में अब जो है बेसिक मीडियम की रिएक्शन करनी है, तो आप हाइड्रेजोन से हम यहां शुरू करेंगे, दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप, इन दोनों का भी केवल इसका और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमने बताया आपको। नाउ हाइड्रेजोन देखिए क्या है, CH3 डबल बॉन्ड NH, ओके। तो अब इसमें अगर आप बेस की रिएक्शन करते हैं तो देखिए कितना आसान है, बेस OH माइनस, तो हमें ये देखना होता है कि OH माइनस जो है इसमें OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, वो इसमें से या तो H प्लस लेगा या ऐसे सेंटर पे अटैक करेगा जहां पर जो है पॉजिटिव की डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो, तो इसमें क्या इजी पड़ेगा वो भी हमने देखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ये वाला बॉन्ड है जो NH, इसको लेकर के H प्लस लेकर के ये माइनस H2 कर सकता है, क्यों, उसका भी रीजन है मैं, क्योंकि ये वापस यहाँ पर आएगा, ये वापस यहाँ आएगा, ये वापस यहाँ आएगा, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है, कैसे, ये जो यहाँ पर नेगेटिव डेवलप होगा वो नेगेटिव जो है नाइट्रोजन के साथ में यहाँ डबल बॉन्ड बना करके ये कॉन्जुगेशन के साथ में ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इट मींस जो बनने वाली स्पीसीज अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने वाली है तो उस पाथ को प्रिफर किया जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म। दिस एच प्लस शिफ्टेड टुवर्ड्स OH माइनस, तो दिस माइनस H2, और पहले हम क्या करते हैं केवल यहाँ पर नेगेटिव जो बनेगा ये यहाँ पर हम शिफ्ट कर देते हैं इसको, तो ये बना CH3 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हियर, आफ्टर दैट सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे जो है नेगेटिव आ गया, एक लोन पेयर तो पहले से होगा, आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है 1, 2, 3, 4, 5 एक लोन पेयर अपनी जगह बना रहेगा, 1, 2, 3 एक लोन पेयर होगा नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन अगर न्यूट्रल है तो एक लोन पेयर तो होना ही है बिकॉज ऑफ द ट्राइवेलेंट नेचर ऑफ दैट, तो यहाँ पे ये हो गया और एक लोन पेयर ये अपनी जगह पर रहेगा, तो इसी का हम रेजोनेंस भी बनाएंगे, देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ शिफ्ट करेगा, तो इसका रेजोनेंस हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N और ये H, और यहाँ पे लग जाएगा इस तरह से नेगेटिव, और नाइट्रोजन में यहाँ पर भी एक लोन पेयर होगा, यहाँ पर भी एक लोन पेयर होगा, और नाउ कार्बन में भी एक लोन पेयर आ गया क्योंकि वो पाई बॉन्ड शिफ्ट किया टुवर्ड्स कार्बन, यहाँ पे देखिए आप ये लोन पेयर अपनी जगह है, यहाँ पर लोन पेयर था ये अपनी जगह बना हुआ है, तो और इसमें ये यहाँ शिफ्ट किया, तो जैसे यहाँ पॉजिटिव आई ये यहाँ आ गया, तो इसमें कोई चार्ज नहीं आएगा, इसमें नेगेटिव है इसमें भी कोई चार्ज नहीं, सब अपनी जगह पर ट्राइवेलेंट है, यहाँ पर 1, 2, 3 बॉन्ड ये हो गए एक लोन पेयर, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया, ये इसका हमने रेजोनेंस बनाया। इसके बाद क्या होगा, जो ये कार्बन में नेगेटिव आया है, सेम जैसे क्रिमेंसन रिडक्शन में भी आप देख रहे थे कार्बन में नेगेटिव आ रहा था अल्टीमेटली, क्योंकि हमने वहां पर हाइड्रोजन ही जोड़ने हैं, तो यहाँ पे इस को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे इसमें, क्योंकि मीडियम आप देख रहे हैं कि एक तो बेसिक मीडियम है, दूसरा आप देख यहाँ पे जो है एक तो वाटर यहाँ बना हुआ है, और दूसरा आप जो यहाँ पर का स्टेप लिए हैं, यहाँ पर भी जो OH- बेस लिया आपने H+, तो इन्स वाटर है इसके अंदर सिस्टम में, तो इसके साथ वाटर का ट्रीटमेंट होगा,
जब इसके साथ में H2O लेंगे तो H2O का जो H प्लस है वो तो ये जो कार्बेनाइन कार्बन है ये नेगेटिव कार्बन है, तो उस नेगेटिव कार्बन से आपका H पॉजिटिव वाटर का ऐड होगा, बचेगा क्या रेस्ट OH नेगेटिव, वो सिस्टम को वापस दे दोगे आप, तो OH नेगेटिव वापस चला गया यहाँ पर OH नेगेटिव और H प्लस यहाँ, तो ये बनेगा CH3 here, H प्लस यहाँ लग गया, तो ये नेगेटिव जो है खत्म हो गया हमारा, ये N डबल बॉन्ड N NH, ये लोन पेयर अपनी जगह, ये लोन पेयर है कार्बन का लोन पेयर अपना खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए हमें कैसे समझना है कि इसके आगे और क्या प्रोसेस है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो मीडियम है हमारा वो एसिडिक मीडियम, ये बेसिक मीडियम है यहाँ पे, और अभी भी नाइट्रोजन के साथ में एक एच बना हुआ है, वो नाइट्रोजन के साथ में जो एच बना हुआ है वो एच जो है एसिडिक नेचर का है, कैसे देखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस बॉन्ड के यहाँ शिफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो इस पॉसिबिलिटी की वजह से एच प्लस जो है आसानी से इसमें से निकल सकता है, और वो एच प्लस जो है जो मीडियम का हमारा बेसिक सिस्टम बना हुआ है, जो मीडियम जो बेसिक है वो एच प्लस को ले सकता है, तो इट मींस जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी आप बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में ही इसको आगे बढ़ाएंगे, तो जो बेसिक मीडियम है हमारा वो इस एच प्लस को ले लेगा, तो ये बॉन्ड साइमल्टेनियसली जैसे पहले आपने किया था सेम वे जो फर्स्ट स्टेप की जो यहां पर आपने लिया था हाइड्रेजोन का पहला स्टेप आपने यही किया था और वही प्रोसेस रिपीट होगी, तो CH3 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N और यहां पर एच आउट हो गया, ये लोन पेयर पहले से है, ये लोन पेयर आया वापस नेगेटिव आ गया, ये लोन पेयर बना हुआ है, तो ये स्पीशीज एक बनेगी, क्योंकि ये H प्लस इस OH माइनस के साथ में आया, ये H प्लस इस OH माइनस के साथ में आया तो माइनस H2 हो गया। ओके, फर्दर क्या करना है आपको इसके बाद, जो ये नेगेटिव है सेम, अब देखिए ये वाला स्टेप रिपीट हुआ यहां पे, अब ये वाला स्टेप रिपीट होना है, तो ये जो नाइट्रोजन के ऊपर हमारा नेगेटिव आया है ये नेगेटिव आपका इधर शिफ्ट करेगा, जब ये नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा तो आप देखते हैं कि यहां जैसे ट्रिपल बॉन्ड, तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड जो है यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड आपको दिखा दे रहा है ये कार्बन की तरफ को शिफ्ट करेगा, ये यहां शिफ्ट किया, ये यहां शिफ्ट किया, तो देखते ही बन रहा है कि क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन है वो तो इस तरह से हो जाएगा एन ट्रिपल बॉन्ड एन, इट मींस N2। ओके, प्लस जो बना हुआ है वो है CH3 CH और इसके पास में इस तरह से नेगेटिव होगा, इट मींस अगेन कार्बेनाइन, और ये जो कार्बेनाइन बना हुआ है ना ये सेकेंडरी कार्बेनाइन है, क्योंकि कार्बन अटैच्ड विथ नेगेटिव कार्बन टू देयर आर टू कार्बन, तो इट मींस अब इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि आपने देखा कि H2O जो है यहाँ पर भी बना हुआ है, इसके अलावा H2O आप सिस्टम में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे H2O को आप यूज करेंगे, H2O का H प्लस यहाँ आ जाएगा और हमें मिलेगा CH3, यहाँ हो जाएगा H प्लस CH2, अगेन CH3, ये हो गया CH3, तो जिससे कि हमें पता चल रहा है कि ये वाला जो C डबल बॉन्ड वो था हमारा सबसे पहले वो कहाँ पहुंच गया, CH2 पे पहुंच गया है, तो दिस वन इज प्रोपेन, तो कंपाउंड हमारा बना हुआ है प्रोपेन, एक कंपाउंड बना और कहाँ से, प्रोपेन से, तो ये था हमारा गोल फिक्स्ड, तो आप कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं इसमें जो कि कार्बोनिल कंपाउंड है, और उस कार्बोनिल कंपाउंड को जो है आप कन्वर्ट करिए हाइड्रोकार्बन में विथ हेल्प ऑफ हाइड्रेजीन एंड बेसिक मीडियम, तो इसमें अगर साइक्लिक अगर आप लेते हैं तो उसको भी चेंज किया जा सकता है, अगर मैं दूसरा एग्जांपल आपके सामने रखूं तो ये अगर डबल बॉन्ड O है और इसमें NH2 आप लेते हैं तो ये OH माइनस आप ले लीजिए, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा क्या, ये आया और ये
ये है साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन, और ये क्या हो गया साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन। तो इस तरीके से भी आप जो है कोई भी कंपाउंड इनिशिएट कर सकते हैं। दिस ऑल इज वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ओके, और इसके बाद दूसरी, इसमें पूरा आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, इसमें काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। अगर कहीं पे यहाँ पे देखिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस रिएक्शन को। कीटोन लिया हाइड्रोजीन के साथ में, पहले आपने जो है एक एडक्ट का फॉर्मेशन किया है, आपने पूरा का पूरा हाइड्रोजीन इसके साथ में लिया, नाइट्रोजन में पॉजिटिव आया, नाइट्रोजन का पॉजिटिव जो है न्यूट्रलाइज होने के लिए क्या करता है, एच पॉजिटिव ओ ए निगेटिव को देता है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, पहले ये बना, देन एच टू ओ रिलीज होता है, हाइड्रोजन बनता है। हाइड्रोजन के बाद बेसिक मीडियम का ओ एच माइनस इससे एच प्लस को ले लेता है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आता है, नाइट्रोजन का नेगेटिव जो है कॉन्जुगेटेड फॉर्म में जो है आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। उसके बाद बेसिक मीडियम में आप सिस्टम को ले रहे हैं, बेसिक मीडियम है H2O बना हुआ है, तो H2O से जो है वो H प्लस ले लेता है, H प्लस लेकर के वो H प्लस कार्बन से जुड़ जाता है, देन नाइट्रोजन में एक हाइड्रोजन और होने की वजह से बेसिक मीडियम में जो है एच प्लस और OH माइनस मिलकर के H2O रिलीज करते हैं, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आता है, नाइट्रोजन का नेगेटिव जो है वो कार्बन की तरफ को शिफ्ट करता है, जिससे N और C के बीच का बॉन्ड टूटता है और नाइट्रोजन आउट होती है, और ये आपका फाइनली जो है प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जो रिएक्शन है नेक्स्ट, वो है हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट आपको बताते हैं हम, तो देखिए बेंजोइन कंडेंसेशन, BENZOIN, बेंजोइन कंडेंसेशन। तो इसमें आप क्या क्या लेते हैं उसको देखिएगा। एज द नेम स्टेटेड बेंजोइन, इट मींस बेंजाल्डिहाइड से रिलेटेड कुछ है ये। कंडेंसेशन में जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा था, एक एल्डोल कंडेंसेशन, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, यानी कि ऐसे एसिटाल्डिहाइड हमने लिए थे जिसमें क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन होता है एल्डोल में। फिर पढ़ा था हमने कैनिजारो में हमने फॉर्मेल्डिहाइड भी लिया था, बेंजाल्डिहाइड भी लिया था, और उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ किया था, और दोनों में मीडियम में क्या था, जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसमें स्ट्रॉन्ग बेस लिया था या वीक बेस, तो इसमें हमने लिया था वीक बेस, जबकि और कैनिजारो में हमने लिया था स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन बेंजोइन में क्या है, देखिए टू मोल तो लेने ही है, टू मोल आपके बेंजाल्डिहाइड के आने हैं, बेंजाल्डिहाइड के टू मोल आने हैं, हमने ले लिया एक बेंजाल्डिहाइड, सपोज करें सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये हो गया बेंजाल्डिहाइड। तो बेंजाल्डिहाइड लोगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, हमारा जो मीडियम है उसमें अंतर है। यहाँ पे हमने लेना है जैसे NaOH वगैरह नहीं लेना है, उसकी जगह पर हमारा आना है NaCN, यानी कि सोडियम साइनाइड। इट मीन्स साइनाइड का कोई कंपाउंड, ठीक है ना, साइनाइड का कोई कंपाउंड आप लेंगे, और जो मीडियम हमने वहां जैसे एनिवेज था, तो आप ये कह सकते हैं कि उसमें अगर डाइल्यूट था तो एनिवेज शुगर है, तो NaCN के साथ में, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक्वेस नहीं है वहां पे, तो आप ले सकते हैं CH3OH, यानी कि अल्कोहलिक। तो ओवरऑल क्या हुआ, देखो बेंजाल्डिहाइड लेना है, NaCN लेना है, और उसके साथ में CH3OH, ये अल्कोहलिक मीडियम, और इसके टू मोल यूज। जो बनना है वो क्या बनना है उसको भी जरा देखना है। सी ये हो गया टू मोल, अगर आप देखेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या बनेगा, ये आ गया सी। ओके, C
सी हो गया। अब इसमें क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता सी एन यहाँ लगता, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये आया और यहाँ पे फिर दूसरे का जो है सी यूज होगा, यहाँ पर दूसरे का सी यूज होगा, फिर ये यहाँ आएगा। तो अभी देखते हैं पूरा क्या बनता है। देखिए ये यहाँ पे आ गया, इसको बराबर में ले लेते हैं, ये आया और इससे हमारा ये वाला मान लेते हैं, तो ये आ गया, ये आया, ये आया, ये आया, एंजीम बेंजीन बेंजीन। तो इससे आपको पता चलेगा कि मैकेनिज्म में ये जो सी है उससे क्या क्या चीजें और जुड़ी हो सकती हैं। तो आपको यहाँ पे हो गया हमारा डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना, दूसरा बॉन्ड। अब इसमें आप चाहे इसमें यहाँ लगा लें, जैसे भी लगाते, अगर आप इसको बेस मानते हैं दूसरे पे लगाते हैं, तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हो। ये सी डबल बॉन्ड ओ को हमने ओ एच कर दिया, तो यहाँ पे और यहाँ पे वन टू थ्री, तो एक एच यहाँ भी आ गया, इस तरह से आपको देखना है। ओके, इसको बेंजोइन बोलते हैं। अब इसको दिखने का तरीका दूसरा भी है, बेंजोइन, ये तो हो गया बेंजोइन। इसको कैसे भी लिखा जा सकता है वो भी आपको बताते हैं, कि आप चाहें तो ये यहाँ इसको इधर उधर भी कर सकते हैं, थोड़ा और बेटर तरीके से इसको बता दें आपको, फिर उसके बाद आएगा मैकेनिज्म। ये हो गया, लेट की यहां पर आप रखते हैं पहले इसको सी डबल बॉन्ड ओ, ओके, फिर इधर आएगा सी एच ओ एच, ये आ गया और यहाँ पे आ जाएगा ये इस तरह से डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो दिस इज बोथ आर सेम, बेंजोइन, दोनों ही एक है, आप किसी को भी लिखिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, फिर उस पर हम आगे बढ़ते हैं। कैसे इसको बनाएंगे, मैकेनिज्म में सबसे पहले सी डबल बॉन्ड ओ एच है, तो एन ए सी एन है, सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड को जब आप ब्रेक करते हैं तो ठीक है हमारा क्या बनेगा, सी एन नेगेटिव। ओके, सी एन नेगेटिव जो है एक बेटा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और पाई बॉन्ड आपका शिफ्ट करेगा ओ की तरफ को, ये आपको शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड सी ओ नेगेटिव एच एंड हियर सी। ओके, तो जो ये एडिशन प्रोडक्ट अभी बनाया आपने, एडक्ट भी जिसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपने सी एन को ही लिया, अगर आप एन ए भी कहेंगे तो एन ए यहाँ पर भी लग सकता है, लेकिन हमें उसकी अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में एन ए आउट ही करना है आपको, एन ए सी एन एस सच आपको मिल जाएगा। तो देखिए इसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल है इसका, अब आपने एक मोल दो मोल लिए हैं, एक मोल आपने इस तरह से कन्वर्ट कर दिए, इसी में दूसरा मोल ले लेते हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच। ओके, तो ये सेकंड मोल में क्या किया जाएगा, इसमें एक तो हाइड्राइड शिफ्ट होता है, कैसे ये इसको जो है हाइड्राइड कैसे शिफ्ट करेगा, ये वापस यहाँ आएगा, ये यहाँ पर होता है, ये वापस यहाँ आएगा, ये यहाँ से आउट होता है, ये हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। ये जो हाइड्राइड शिफ्ट है ये H नेगेटिव के रूप में ये यहाँ आ जाता है, इस तरह से ये कुछ शिफ्टिंग हमारी यहाँ पर होगी। तो इसको अलग अलग स्टेप में आपको बता देते हैं कि क्या ये किस तरह से इसको चेंज आपने करना है, ये यहीं पे आ जाएगा, ये H नेगेटिव ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये वाला बॉन्ड जो है H नेगेटिव वाला, तो ये लिखेंगे आप इसको ऐसे, डबल बॉन्ड ये हो गया, यहाँ पे आ गया सी डबल बॉन्ड ओ, ये तो सी एन है ही,
ठीक है, और इसको दूसरे स्टेप पर ले लेते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड है ये इधर आ गया, और ये वाला बॉन्ड जो है ये इधर आकर के पहले हम इसको सिर्फ इस तरह से शो करते हैं, क्योंकि ये H पॉजिटिव आया, ये यहाँ पे ये हो रहा, देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, सी ट्रिपल बॉन्ड, ये इधर आया, ये एच पॉजिटिव यहाँ आया, तो फिर ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये नेगेटिव यहाँ आएगा, तो कुछ इस तरह के चेंजेस होते हैं। पूरे स्टेप वाइज देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको हम ये हटाते हैं, ये इधर पर आया, यहां से लिखना शुरू करते हैं, ओ नेगेटिव सी एन ट्रिपल बॉन्ड एन है, ठीक है, ये जो नेगेटिव आया और ये एच पॉजिटिव जो है, तो ये आ गया सी, ये वाला सी, ठीक है, और यहां पे आ गया आपका ओ एच, दिस वन इज इन पॉजिटिव एंड हियर, और उसके बाद और क्या बचता है, ये कैच यहाँ पर है, इसको ऐसे लगा करके ये कर देते हैं, ये आया डबल बॉन्ड इस तरह से, ओके। तो अब इसमें साइमल्टेनियसली हमने क्या करना है, यहाँ पे जो ये ओ पे पॉजिटिव आया है वहां पे कुछ चेंजेस होने, देखिए पहले एक बार देख लीजिए यहाँ क्या क्या हुआ है, ये एच पॉजिटिव यहाँ पे लोन पेयर के साथ में आ गया है, एच पॉजिटिव यहाँ पर ओ एच में क्या आता, पॉजिटिव आता, लेकिन ओ एच में जैसे ही पॉजिटिव आता, ओ एच में हमने पाई बॉन्ड शिफ्ट कर दिया, तो अब आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये आया, ये एच पॉजिटिव यहाँ पे आया, लोन पेयर का यूज किया, पहले पॉजिटिव था तो उसके बाद हमने इसको यहाँ शिफ्ट किया, क्योंकि कुछ चीजें साथ साथ की गई है, तो ये पॉजिटिव अब खत्म, बाकी चीज ये अपनी जगह है, क्योंकि हमने ये यहाँ यूज किया, इसको यहाँ नेगेटिव जैसे आया, नेगेटिव जो है हमारा यहाँ पे यूज हो गया, इट मींस ये किया गया है। इतना होने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज होना है, वो क्या होना है कि जो ये ऑक्साइड्स है इसमें कोई चेंजेस होने हैं, यहाँ से हाइड्रोजन जो है ना हमारा, आप अगर प्रोडक्ट के स्टार्टिंग में देखें जिस तरह से हमने बनाया था, उसी में कुछ चीजें बननी शुरू हो गई हैं। ये यहाँ पर से जैसे ये बॉन्ड है, ये वापस आएगा तो ये आउट होगा बनने के लिए, यहीं पे बच जाएगा, तो अगर हम साइमल्टेनियसली चेंज करें तो यहाँ देखिए ये वाला जो नेगेटिव है वापस आया, आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ये हो गया, होने के लिए ये देखिए क्या है, पाई ये यहाँ शिफ्ट करता, तो यहाँ पॉजिटिव आता, तो ऑब्वियसली कि यहीं कोई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई, तो हम पूरा साथ साथ क्या कर रहे हैं, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, तो आउट क्या हुआ, नेगेटिव, सी एन नेगेटिव, तो बचा हुआ जो पार्ट है वो क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, C O H, H यहां पर है, डबल डबल डबल, तो ये बेंजोइन जो स्पीसीज हमने यहां पर बनाई थी वो स्पीसीज हमारी दोबारा रिपीट हो गई है, तो यहाँ पे जो बना हुआ है आप चाहें तो अलग अलग स्टेप में यहां पर से कर सकते हैं, जैसे ये यहां आया, ये इसको ले लिया, एक स्टेप बना, फिर दोनों को कंबाइन करना है, तो इस तरह से ये बेंजोइन बन गया, तो काफी इजी है देखिए, और ये जो सी एन माइनस है वो एन ए प्लस से जुड़ करके आपका क्या हो जाएगा, एन ए सी एन फाइनल हो जाएगा, तो इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए हमने बेंजाल्डिहाइड में एन ए ओ एच नहीं लिया है, मेन चीज है एन ए ओ एच हमने नहीं लिया है, एन ए ओ एच अगर आप लेते और बेंजाल्डिहाइड होता तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाती, केनिजार हो जाती, एक तो यहाँ पर से थोड़ा सा चेंजेस होता है, दूसरा हमने वहाँ पर कंसंट्रेटेड लिया था, तो वो भी देखना, हमने कंसंट्रेटेड लिया था और वहाँ पे दोनों का बेंजाल्डिहाइड के जो दो मोल ले रहे थे उसमें एक का हो रहा था ऑक्सीडेशन और एक का हो रहा था क्या
रिडक्शन है, मींस डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हो रहा है। पहले हमने बेंजाल्डिहाइड से CN माइनस लिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, एडक्ट बना, फिर एक जो एडक्ट बना है उसने दूसरे को जो है दूसरे के लिए खुद, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है तो यही नेगेटिव उसके कार्बोनिल कार्बन से जुड़ना है, तो वो जो एडक्ट बना वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है दूसरे मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि तो आपने ये एच प्लस यहाँ ले लिया, यहाँ पर नेगेटिव है और इस कार्बन पर पॉजिटिव आ रहा है तो ये ऐड हो रहा है। आप पूरा का पूरा अगर देखें, ये हमने यहाँ शिफ्ट किया पॉजिटिव आया और यहाँ पर नेगेटिव आया, तो ये नेगेटिव आपने किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, वो आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक फिर लास्ट में CN को अलग कर देना है तो आपको बेंजोइन, तो ये था हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन।